रमन भूखा तो सुदामा, अगर समझा तो चाणक्य, और रूठा तो रावण। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि मेरे साथ है मेरा दोस्त जयंत। ये जब भी आता है हम यूनिक वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा जयंत, आज कहाँ जा रहे हैं बता यार? आज हम जा रहे हैं लंकाधिपति रावण के गांव। अच्छा जी, रावण के गांव। रावण के गांव लंका जाना है क्या? श्रीलंका जाने वाले हम। अबे भाई, अपना ही देसी लौंडा है वो तो नोएडा का। रावण नोएडा का है? अबे और क्या। अच्छा जी, हाँ अच्छा भाई, चलो हम ऐसा मजाक कर रहे थे। हाँ, रावण नोएडा का ही है। नोएडा के पास एक गांव है, क्या नाम है? बिसरक गांव, वहाँ की पैदाइश है रावण। अगर आप YouTube पे देखोगे तो आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। लोगों को कम पता है इसके बारे में? पता ही नहीं है, इनफैक्ट पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है लोगों को। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको वही दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ रहे थे बिसरक गांव की ओर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या भाई, हमारे गूगल देवता ना? हाँ, गूगल देवता ने रास्ता हमें गलत बता दिया, दिखा दिया अभी। राइट था ही नहीं और ये कह रहे थे राइट ले लो। मतलब कहाँ राइट ले, बिल्डिंग में घुस जाए। कोई नहीं, चल रहा है गूगल देवता भी अपने अलग मर्जी से चलता है, रास्ता ढूंढ रहा। और एक बार रास्ता दिखाइए यार, बिल्कुल है नहीं गाँव वाली फील भाई। गाँव ही आ गए अब तो बस। भाई आज आ रहा है गाड़ी चलाने का मजा आज तेरे को? ऑफरोडिंग भाई, ऑफरोडिंग। देखो यार, अरे 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 अरे, कहीं बसाता है रावण भी आके। हाँ, भी फाइनली हम आ चुके हैं बिसरक गांव में, और ये हमारे सामने मंदिर है जहाँ पे रावण का जन्म हुआ। जन्मभूमि कहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दशहरे के टाइम पे हमें रावण की जन्मभूमि पे, क्या आप लोगों को पता है कि लंकापति रावण लंका में पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था नोएडा में। वो अपने दिल्ली NCR का लड़का था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरी इस रावण के मंदिर की कहानी। भाई का तो ये अनुभव सुनी हो रहा है। पुलिस ने अमोक के साथ नरपत सत्ता वसानी और बात क्यों अलग अलग एंगल से निकल के आ रहा था। मंदिर में जाने से पहले हम आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं इस गांव की, और बेसिकली हुआ क्या था इस गांव के अंदर। रावण ने यहाँ पे जन्म लिया था क्योंकि उनके जो पिता थे बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, है ना? वो यहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया, यहाँ पे यज्ञ किया था, यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। रावण की माँ थी ना, वो थी एक राक्षसी, जिस वजह से हम जानते हैं कि रावण एक राक्षस था। लेकिन ये बात भी सच है कि वो एक बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी। बस रावण में आ गया था थोड़ा सा अहंकार, और जिससे उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि उसने सीता मैया का हरण कर लिया था। इसी वजह से रावण को हमेशा गलत माना जाता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं था यार, वो ये सब था प्री प्लान। रावण को पहले से पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी अपनी खुद की इच्छा थी कि वो भगवान राम के हाथों भगवान विष्णु की मुक्ति पाना चाहता, भगवान विष्णु के अवतार के हाथों अब एक मुक्ति पाना चाहते थे। बल्कि रावण को पहले से पता था कि क्या क्या होने वाला है, और दुनिया को दिखाना चाहता था कि अहंकार आने से क्या होता है। इसलिए ही रावण को सबसे बड़ा ज्ञानी बोला जाता। ये पढ़ो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, रावण जन्म भूमि। फिलहाल जो मंदिर है वो तो बंद है, उसके खुलने की टाइमिंग 4 बजे की है, पर जो अंदर का पूरा कैंपस है वो उन्होंने हमें अंदर एंट्री करने की इजाज़त दी है, अलाउ किया है। पीछे हमारे ये गए मेन मंदिर है, रावण मंदिर जिसे कहते हैं, जन्मभूमि रावण की। ये थी अब इस गांव की फेमस बात क्या है कि यार यहाँ पे ना रावण का जो पुतला है वो जलाया नहीं जाता। दशहरा मनाते हैं, दशहरा मनता है, लेकिन पुतला नहीं जलाया जाता यहाँ पे। अकेला पूरे इंडिया के अकेला ऐसा गांव है जहाँ पे रावण का पुतला नहीं फूकता, बाकी सारी जगह फूका जाता है। और फूका इसलिए जाता है क्योंकि रावण को यहाँ पे बेटे का दर्जा दिया जाता है। हाँ यार, कैसे फूकेंगे, क्योंकि वो पैदा ही पे होता है, रावण की जन्मभूमि है। तुम्हारे घर में तुम्हें कोई पूछे ना तो अच्छा लगता है यार। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रावण की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना हुई थी, और 2016 में उस मूर्ति को खंडित कर दिया था, खंडित मतलब तोड़ दिया गया था, किसके? बजरंग दल के द्वारा। हालांकि मेरे को समझ नहीं आता क्यों किया गया था, पर जो भी है अब जैसे भी है वो हुआ। मूर्ति रावण की वैसे यहीं पे उसकी स्थापना थी, ये वो मूर्ति थी जो कि तोड़ दी गई थी।
थोड़ा सा हम आपको और बता दें कि जो रावण था इस गांव में थोड़ा कम टाइम के लिए रहता ना, ज्यादा टाइम नहीं रहा वो, बस उसने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी। हाँ। अगर आपको नहीं पता कि रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था, और जो लंका थी ना वो उन्होंने शिव जी से तपस्या करके भेंट में मांगी थी। हाँ, मुझे लंका दे दो, कि मुझे लंका दे दो। हाँ। मतलब वो इतना बड़ा भक्त था भगवान शिव का। अभी भाई जैन दिए क्या पीछे हमारे भाई? ये वो जगह है जहाँ पे रावण ने शिवलिंग की जो कह रहा था ना तू अभी स्थापना की थी। अच्छा, ये वाला मंदिर है ना। हाँ। तो चलो चलते हैं। आजा। शिवलिंग देखा, ये शिवलिंग की स्थापना की थी रावण के पिता विश्रस ने, जिसकी वजह से इस गांव का नाम पड़ा था विश्रक। और ये इकलौता क्या है? इकलौता अष्टभुजा शिवलिंग। अष्टभुजा शिवलिंग है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें आठ भुजाएं हैं। आठ भुजाएं हैं साइड, आठ भुजाओं में शिवलिंग टिका हुआ है। बाकी आप जितने पूरे देखते हो पूरे इंडिया में, चार या पाँच भुजाओं वाला होता है। यहाँ इस मंदिर की सबसे जो मेरे को हर्ट करने वाली बात लगी वो ये लगी कि इतना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है पता नहीं, मेरे को उसका कोई रीज़न नहीं पता। गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, जो भी रीज़न है। अभी तो इसका है ना बीच में इसका पोर्शन दे दिया ना, तो अभी हम जिस गुफा के अंदर जा रहे हैं, ये गुफा रावण इस गुफा को यूज़ करा करता था। गाजियाबाद में एक मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए शिवलिंग है अष्टभुजा, ये शिवलिंग का कोई अंत नहीं है जी। और ये शिवरात्रि पे खोली जाती है। आप यहाँ पर साधु संत जैसे बाहर के लोग आते हैं, वो अपनी साधना करते हैं ऊपर ना बैठ के, क्योंकि ध्यान भंग हो जाता है, यहाँ शांति में बैठते हैं। अष्टभुजा शिवलिंग की पूजा करने के बाद इसी गुफा से दूधेश्वर मंदिर साल में एक बार अमावस्या की रात को दूधेश्वर मंदिर गाजियाबाद जाए। और ये है रावण के पिता की मूर्ति। अच्छा, ये दो ही जगह पे ऐसी मूर्ति, ऐसी मूर्ति मिलेगी शिवलिंग के साथ भोलेनाथ की है, ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक तो विश्रक में और एक एक अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर। ये जो आप देख पा रहे हो ये शिव तांडव पूरा लिखा हुआ है, इसी शिव तांडव को करके रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया। पता है जब से ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, एक चीज़ का बहुत फायदा हुआ है यार, जनता ने ऐसी जगह देख ली ना जहाँ कभी सोच भी नहीं सकता, जहाँ पे लोग खुद नहीं गए यार। मैंने जनरली भी कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी जगह पे कभी आके एक्सप्लोर भी कर पाऊंगा, और नॉलेज कितनी मिल रही देख रहा है। हाँ यार, मतलब पता चलता है जब अपने इतिहास के बारे में अच्छा लगता है। हाँ, पूरे इंडिया का जो इतिहास था ना देख, जैन पता है रावण पहले भी अमीर था है ना, लंकापति था यार। पर अगर आज की डेट में भी होता ना भाई बहुत अमीर होता, कहाँ जन्म लिया। और ये देखो पूरी जमीन रावण की है भाई साहब, नोएडा में फ्लैट फ्लैट है, फ्लैट नहीं फ्लैट होते फ्लैट है, बिल्डिंग खड़ी है बंदे की यार। अब फाइनली हमारा आज का जो पूरा व्लॉग है, ये जो स्पेशल वीडियो थी, ये तो होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जैन बताया क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, लाल कलर का बटन दिखाई देगा दबा देना जाके। तो बस तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर कोई सजेशन है तो क्या कमेंट सेक्शन में बताना यार, बताना ठीक है। पर जाते जाते सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। और यार रास्ते जाते जाते पता है एक और चीज बोलनी चाहिए कि लंकापति रावण की भी जय। और आप सभी को हैप्पी दशहरा, बाय बाय।